हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आसाम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 आपका वेरियस पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका रिक्रूटमेंट जो आया है आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करना है जो वेरियस पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेंड्स, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस इंटरफेस पर आना पड़ेगा। इस इंटरफेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग इस इंटरफेस पर आ सकते हैं। नहीं तो आप लोग सर्च कीजिएगा आसाम पेट्रोकेमिकल्स .co.in। सर्च करने से आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको करियर्स का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे करियर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करियर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका जो रिक्रूटमेंट का, वो नेक्स्ट इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा करियर। तो यहाँ पे आपको नीचे में मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑनलाइन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी जनरल मैनेजर एंड मैनेजर पोस्ट का जो आपका आया था एडवर्टाइजमेंट में दिया है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। तो फर्स्ट आपको पेमेंट फीस करना पड़ेगा SBI कलेक्ट के थ्रू। इसके बाद ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो फर्स्ट पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट ऑफ फीस पे क्लिक करना है। पेमेंट ऑफ फीस पे क्लिक करने के बाद आपको SBI कलेक्ट का जो इंटरफेस है यहाँ पे खुल जाएगा। तबको यहाँ पे SBI कलेक्ट का इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा। उसके पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस मिलेगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा उसका इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर फॉलो करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आप लोग कैसे करेक्ट मेथड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है सारा डिटेल्स आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आएगा तब आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट, तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। उसके पहले आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपको खुल जाएगा। जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा खुलेगा। यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर आपका आ जाएगा। तो आप लोग कौन से पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो, ये सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम आपको एंटर करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप लोग जो एप्लीकेशन है फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इसके बाद फादर्स नेम आपको एंटर करना है। फादर्स फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, मदर्स फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम। इसके बाद मदर टंग आपका क्या है वो मदर टंग एंटर करना है। इसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो है। इसके बाद आपको कास्ट सेलेक्ट करना है, आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद PWD एप्लीकेबल, तो आप लोग कौन PWD सेक्शन से हो क्या। अगर यस हो तो यस कीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप लोग नो कीजिएगा। यस करने से आपको डिजेबिलिटी डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल, अगर आप तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या, अगर हो तो यस कीजिएगा। यस करने से आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, आप लोग पहले क्या जॉब करते थे। इसके बाद अगर नहीं हो तो नो क्लिक कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना, आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद मैरिटल स्टेट, मैरिड अनमैरिड, डिवोर्स सेपरेटेड, जो हो आप लोग को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस आपको कर लेना है। इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो फर्स्ट आपको विलेज एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, और यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस एंटर करना है। ये एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है क्या, अगर सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, अगर अलग है तो अलग से आप लोग फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको ये कैप्चा जो है एंटर करके आप लोग को फिलअप करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका ऐसा खुल जाएगा, आर यू श्योर, तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, यहाँ पे दिया गया, ये OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आपको OTP को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर OTP रिसीव नहीं हुआ तो आपको रिसेंट OTP पे क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद वापस आपको इस इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो रिसीव हुआ वो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करके, इसके बाद जो आपको एक कैप्चा है 8+2 आपका कितना होता है ये एंटर करना है। आपको जो मिलेगा उसका कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा या फिर आपको लॉगिन ऑप्शन मिलेगा। तो मैं फिलअप करके आपको दिखा दे रहा हूँ आपका नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपका APL का जो डैशबोर्ड है, आपका पोस्ट अप्लाइड आ जाएगा, आप लोग कौन सा पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया, क्लिक टू एडिट। अगर आपको एप्लीकेशन एडिट करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एडिट करना है, तो आप लोग क्लिक टू एडिट करके आप लोग एडिट कर सकते हो। इसके बाद पार्ट टू पेंडिंग है, क्लिक टू कंप्लीट आपका ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट थ्री पेंडिंग, क्लिक टू कंप्लीट। तो आपको यहाँ पे पार्ट वन जो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे क्लिक टू एडिट जो ऑप्शन है यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको पार्ट टू पेंडिंग का ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक
करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपका ऐसा जाएगा, तो फर्स्ट आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस आईडी आपको एंटर करना पड़ेगा, जो आप लोग को SBI यहाँ पे SBI बैंक जो कलेक्ट ऑप्शन है यहाँ से आप लोग को जो पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, मदर टंग आपका रहेगा, जेंडर रहेगा, कास्ट आपका रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मैरिज स्टेटस आपका रहेगा, इसके बाद नेशनलिटी आपका रहेगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, इसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंट परमानेंट एड्रेस, इसके बाद मोबाइल नंबर आपका रहेगा। तो ये सारा डिटेल्स आपका रहेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में सारा डिटेल्स फिलअप किया था। तो आपका यहाँ पे जो है SBI कलेक्ट रेफरेंस आईडी एंटर करने के बाद ही आपको यहाँ पे जो अपडेट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। तो आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस आईडी कैसे मिलेगा, तब आपको SBI बैंक कलेक्ट जो ऑप्शन है आपको इस इंटरफेस पे आ जाना पड़ेगा। जो SBI बैंक कलेक्ट का ऑप्शन आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट आपका दिया गया, स्टेप वन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी भैया SBI कलेक्ट, तो यहाँ पे दिया है कॉपी ऑफ SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको एंटर करना है। तो कैसे पेमेंट करना है, क्लिक ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, तो पेमेंट ऑफ फीस पे क्लिक करना है। इसके बाद केयरफुली चेक द टर्म्स एंड क्लिक चेक बॉक्स एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। फिर सेलेक्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करना है, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद आसाम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करने के बाद आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड आपको मिलेगा। इसके बाद वहाँ पे फिल ऑल द रिलेवेंट मैंडेटरी डिटेल्स एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, कॉपी द SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। तो आप लोग स्टेट बैंक कलेक्ट के यहाँ पे आने के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा, यहाँ पे आपको फिल्टर बाय स्टेट है, यहाँ पे आप लोग को आसाम में सेलेक्ट करना है। आसाम में सेलेक्ट करने के बाद आपको आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका डिटेल्स ऐसे आ जाएगा, एंटर पेमेंट डिटेल्स, इसके बाद वेरीफाई पेमेंट करना पड़ेगा, कंप्लीट पेमेंट, इसके बाद प्रिंट रिसीप। तो फर्स्ट आपको जो पेमेंट कैटेगरी है आपका यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी आ गया, एप्लीकेशन फी फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट जो है। इसके बाद नेम आपको एंटर करना है अपना नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर एंटर करना है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या होगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट का रिक्यूमेंट का, यहाँ पे आपका दिया गया एडवर्टाइजमेंट नंबर APL/HR/2023/RM-508/FNA/16, तो आपको ये एंटर करना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसके बाद पोस्ट अप्लाई फॉर, तो कौन सा पोस्ट आप लोग अप्लाई करो, पोस्ट नाम आपको मेंशन करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, इसके बाद कास्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, रिक्यूमेंट ऑफ फीस, तो आपका एप्लीकेशन फी कितना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो आपका रिक्यूमेंट ऑफ फीस कितना होगा, तो रिक्यूमेंट ऑफ फीस आपको यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था वहाँ पे दिया गया है, कैंडिडेट हैव टू डिपोजिट 250 प्लस बैंक चार्जेस फॉर एनी फॉर जनरल कैटेगरी और फॉर ₹150 आपका SC ST OBC कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी 250 चाहिए और SC ST OBC कैटेगरी तो 150 एप्लीकेशन फी चाहिए। तो आपको यहाँ पे अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के लिए हो तो आप लोग वहाँ पे 250 एंटर करना है, अगर आप लोग SC ST OBC कैटेगरी हो तो 150 एंटर करना है। इसके बाद रिमार्क्स में अगर आपको कुछ देना है तो एंटर कीजिएगा। इसके बाद एंटर योर डिटेल्स, तो इंडिविजुअल है आप लोग तो आपका नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके, ईमेल आईडी एंटर करके, आई हैव द रीड टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्लिक करके, इसके बाद एक कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो आप लोग जो SBI कलेक्ट का जो है ये आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस आईडी मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे जो पार्ट वन जो एप्लीकेशन है SBI कलेक्ट रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, SBI कलेक्ट का रेफरेंस आईडी एंटर करने के बाद आपको जो गो टू पार्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपको जो पार्ट टू का एप्लीकेशन फॉर्म वो आपका खुल जाएगा, जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपका पार्ट टू का एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा खुल जाएगा, एंटर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एंटर करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन पास, तो आप लोग ने क्या एग्जामिनेशन पास किया था वो एंटर करना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग एंटर करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रेड मार्क्स एंटर करना है, स्पेशलाइजेशन एंटर एन ए इफ नॉट एप्लीकेबल, अगर आपका कुछ नहीं है तो आप लोग एन ए टाइप कर सकते हो। तो आपके क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट के अगेंस्ट में जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को ही आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स के जगह में एंटर करना पड़ेगा। तो एंटर करने के बाद आपको जो एड ऑप्शन पे क्लिक करना है, एड ऑप्शन में क्लिक करने से एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर जो है यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद दो नंबर मिलेगा, एंटर सर्टिफिकेशन इफ एनी, तो आपको यहाँ पे कोर्स सर्टिफिकेशन कुछ है तो एंटर करना है, फील्ड किस फील्ड में था एंटर करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कौन सा था एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था एंटर करके एड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसका नेक्स्ट मिलेगा आपको एंटर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, तो आपका पहले का कुछ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड था क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, पे स्केल कितना था वो एंटर करना है, फ्रॉम टू डेट कौन से डेट से कौन सा डेट तक काम करते थे वो एंटर करना है, इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था वो एंटर करके एड ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ईयर, तो कितना था यहाँ पे एंटर करना है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू जॉब अगर कुछ है तो यहाँ पे एंटर करके सेव पार्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके गो टू पार्ट थ्री ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। सेव पार्ट टू ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका जो पार्ट टू का एप्लीकेशन आपका सेव हो जाएगा, जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, पार्ट टू कंप्लीट क्लिक टू एडिट, तो आपका
पार्ट टू जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट थ्री पेंडिंग क्लिक टू कंप्लीट जो है वे पार्ट थ्री के जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा मिलेगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का, तो आपको अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ आपका होगा 40 KB के नीचे में होना पड़ेगा, मैक्सिमम साइज आपका 40 KB है। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको 40 KB के नीचे में होना पड़ेगा, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम साइज 40 KB है सिग्नेचर का, तो आपको 40 KB के नीचे में आपको फोटो और सिग्नेचर बना के अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो था आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो था पोस्ट के अगेंस्ट में वो आपको सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट जो था वो चूज करके आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करने का। तो ये आपका जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका जो साइज है 2 MB के नीचे में होना चाहिए। इसके बाद आपको जो यहाँ पे अपलोड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस क्या था वो एंटर करना है, चूज फाइल का अपलोड करना है, ये भी सेम है, PDF फॉर्मेट 2 MB के नीचे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट आपको सेलेक्ट करना है जो आपका कास्ट था। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसका साइज भी आपको 2 MB है और ये फॉर्मेट जो है आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो जब आप लोग अपलोड करोगे तो सारा ऑप्शन यहाँ पे अपलोड बोल के आपको दिखाई देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया। इसके बाद सेव पार्ट थ्री जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको आप लोग को सबमिट कर देना है। तो इसी तरह आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का रिलेटेड में, आपको SBI कलेक्ट में कैसे पेमेंट करना वो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो एक लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, इंटरव्यू के लिए कब जाना है, तो सारा डिटेल्स मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जब वीडियो आएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।